नमस्कार दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, दोस्तों मैं आज उज्जैन आ पहुंचा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दिल्ली से उज्जैन मात्र 230 रुपए के खर्चे में कैसे पहुंचें। दिल्ली से आप उज्जैन कौन सी ट्रेन से जाएँ, ट्रेन में कितने की टिकट लगने वाली है, दिल्ली से उज्जैन पहुँचने में ट्रेन में कितना समय लगेगा, यात्रा की हर एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भाई लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही खूबसूरत जगहों पर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, समय को न बर्बाद करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी रात के 9 बज रहे हैं और 9:50 पर हमारी ट्रेन है उज्जैन के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम एक टिकट लेंगे उज्जैन तक की, जनरल टिकट, जो हमें 230 रुपये की मिलेगी। दिल्ली से उज्जैन तक का जनरल टिकट दोस्तों मात्र 230 रुपये का है। जनरल टिकट लेने के बाद अब हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ही हमारी ट्रेन लगेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हम आ गए हैं और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लग चुकी है। दोस्तों इस ट्रेन का नाम है इंदौर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन का नंबर है 12416। यह ट्रेन प्रतिदिन चलती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बनकर उज्जैन इंदौर के लिए। ठीक 9:50 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाएगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से ही बनकर चलती है, इसलिए हमें यहां पर जनरल क्लास में सीट खाली मिलेगी। इसलिए दोस्तों ट्रेन के चलने से आधा घंटा पहले ही आप प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाएँ। जनरल क्लास डब्बे में जहां आपको सीट खाली मिले वहां जाकर आप बैठ जाइए। हमारी ट्रेन अपने सही टाइम से 9:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना हो चुकी है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह ट्रेन दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी रुकती है। 10:01 पर यह ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचती है और 2 मिनट के लिए दोस्तों वहाँ पर रुकती है और ठीक 10:03 पर आगे के लिए रवाना हो जाती है। हज़रत निज़ामुद्दीन के बाद ये मथुरा रेलवे स्टेशन, भरतपुर रेलवे स्टेशन, बयाना, महावीर जी, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी और नागदा रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए होते हुए ये ट्रेन सुबह 8:20 पर उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचती है। लगभग 10.5 घंटे का समय लेती है ये ट्रेन दिल्ली से उज्जैन तक का। सुबह 8:20 का टाइम है इस ट्रेन का उज्जैन पहुंचाने का। उसके बाद दोस्तों उज्जैन के बाद ये इंदौर के लिए निकल जाती है। फाइनली हम उज्जैन पहुंच गए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर के लिए मैं पैदल ही निकल गया। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर होगी। आप पैदल मंदिर तक 25 से 30 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों हम महाकाल मंदिर परिसर के अंदर आ पहुंचे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये महाकाल मंदिर परिसर का दृश्य है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर जूता काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा करा सकते हैं। जूते चप्पल जमा कराने के बाद फिर आप महाकाल महाराज के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो को मैं ही समाप्त करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि आप दिल्ली से उज्जैन महाकाल मंदिर तक मात्र 230 रुपये खर्चे में कैसे पहुँचें, कहां पर आपका कितना खर्चा हुआ है वो भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। दोस्तों हमारा जो भी खर्चा हुआ है वो सिर्फ दोस्तों ट्रेन में खर्चा हुआ है टिकट का, जो हमें 230 रुपये की टिकट मिली थी दिल्ली से उज्जैन तक की, जनरल क्लास की। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक हम पैदल पहुंचे थे। दिल्ली से महाकाल मंदिर तक का टोटल हमारा 230 रुपये का खर्चा हुआ है। इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं,
तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दो चार दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी मेरे बताए हुए तरीके से कम खर्चे में दिल्ली से उज्जैन पहुँच सकें। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल महाराज की।